गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीषा, माई सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टूडेज टॉपिक इज रिपोर्टेड स्पीच. स्टूडेंट्स, वी कैन डिवाइड रिपोर्टेड स्पीच इन टू पार्ट. वन इज डायरेक्ट स्पीच, सेकेंड इज इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, राम सेड मोहन इज गुड बॉय. हेयर आर टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस. वन इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड द सेकेंड इज रिपोर्टेड स्पीच. फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिपोर्टिंग वर्ब. इन रिपोर्टिंग वर्ब टेंस एंड पर्सन नेवर चेंज. मीन्स इफ यू वॉन्ट टू चेंज यूर डायरेक्ट स्पीच इन टू इनडायरेक्ट स्पीच, इन दैट केस योर रिपोर्टिंग वर्ब विल बी सेम. यानी कि उसमें ना ही आप टेंस चेंज करेंगे, ना ही आप उसमें पर्सन चेंज करेंगे. इन दिस चेंजेस डिपेंड्स ऑन रिपोर्टिंग स्पीच. यानी कि वट एवर यू वॉन्ट टू चेंज इन यूर रिपोर्टिंग वर्ब, दैट विल बी कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन रिपोर्टिंग स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रिपोर्टेड स्पीच इन कमांड फॉर्म और इन रिक्वेस्ट फॉर्म और इन ऑर्डर्ड फॉर्म और इन इंटरोगेटिव फॉर्म, ऑल चेंजेस विल बी डिपेंड ऑन रिपोर्टेड स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर यू विल यूज ऑर्डर टू, इन रिक्वेस्ट फॉर्म यू विल यूज request is to, in command form you will use commanded to, and after that you will remove the inverted comma, and in the simple statement you will use that, in interrogative statement you will use if or whether. But pay attention on this topic, if your statement starts with w or wh family, in that case you will not change the reporting form, you will just use the questioning word same. After that you will follow the same rules. Second is reported speech. In this, whatever you want to change in your sentence, for example tense, persons, etc., totally depends on reporting verb. Means if your reporting verb is in present tense, the reported speech remain in present tense. If reporting verb is in past tense, then you will use past tense in the reporting speech. Okay students, and here are some others rule that I will send you in a PDF. Thank you, have a good day.